19 दिसंबर 1972 को नासा ने अपना अपोलो 17 मिशन लॉन्च किया था और यह नासा की तरफ से लॉन्च किया जाने वाला चांद पर आखिरी मिशन था। और अब 2022 में जाकर नासा ने आर्टेमिस 1 लॉन्च किया है। अब सवाल ये उठता है कि नासा को अपोलो 17 के बाद चांद पर जाने में दोबारा 50 साल से भी ज्यादा का समय क्यों लग जाता है। अपोलो 17 नासा का बहुत ही सक्सेसफुल मिशन था और इस अपोलो 17 के नाम बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। अब चाहे वो चांद पर सबसे ज्यादा दूरी तय करने का रिकॉर्ड हो या वहां से सैंपल पृथ्वी पर लाने का रिकॉर्ड हो, ये बात है कोल्ड वॉर के समय की, जब अमेरिका और रूस के बीच में एक तरह का चैलेंज चल रहा था कि चांद पर सबसे पहले कौन उतरेगा। ऐसे में अमेरिकी गवर्नमेंट, जो कि कैनेडा की गवर्नमेंट थी, उसको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ रहा था और ये पैसा इतना था कि उन्होंने जितना उम्मीद किया था उससे 3 से 4 गुना ज्यादा। यही कारण है कि अमेरिका के लोग भी कैनेडा की गवर्नमेंट से काफी खफा थे और किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं था। इसीलिए अपोलो 17 के बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने मून मिशन को बंद कर दिया।